राजा नीमच के तत्वाधान में झलझुलनी ढोल ग्यारस के पावन पर्व पर 250 किलोमीटर दूर राजस्थान स्थित श्री चारभुजा दर्शन करने हेतु 10 दिवसीय 32वीं पैदल यात्रा रतनगढ़ डिकन होते हुए रविवार को जावत पहुंचकर रात्रि विश्राम किया। रविवार भादवी बीच को कन्याशाला स्कूल के सामने श्री चारभुजानाथ मंदिर से नगर में रहने वाले पैदल जत्था गले में लाल गमछा डालकर ढोल धमाकों की थाप पर महाआरती करके जयकारों की धुन से रवाना हुए। भवरिया गली, धान मंडी, सराफा बाजार, लक्ष्मीनाथ चौक, लक्ष्मीनाथ मार्ग, नीमच दरवाजा, श्री परकोटा हनुमान मंदिर, शास्त्री चौक सहित विभिन्न मार्गों से निकले। बस स्टैंड स्थित श्री बटकेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण पर योगी युवा वाहिनी प्रदेश अध्यक्ष नारायण सोमानी के नेतृत्व में रामानुज सोमानी, कैलाश झंवर सहित पैदल यात्रियों को कुमकुम तिलक निकालकर गमछा डालकर स्वागत करके यात्रा सुमंगलमय होने की कामना करके विदाई दी। महादेव की आकर्षण श्रृंगार पंडित मोहित व्यास, दीपेश व्यास ने किया। इस मौके पर ब्रांड एम्बेसडर नारायण सोमानी, सूरजमल राठे, विजय तिवारी, मुकेश काबरा, अशोक सोनी, सुशील काबरा, मोहित व्यास, दीपेश व्यास, रेखा जवर, मनीषा तवर आदि महिला पुरुष भक्तजन मौजूद रहे। पैदल यात्रा बस स्टैंड स्टेशन रोड खोड़ नयागांव होते हुए निम्बाहेड़ा पहुंचेगी, जहां रात्रि विश्राम होगा।